मॉर्निंग व्यूअर एंड माय ऑल सब्सक्राइबर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो प्लॉट आप देख रहे हैं, पर देखिए इस प्लॉट में हम क्या दिखा रहे हैं आपको, जो है आपके साइड में देखिए यहाँ पर जो है फॉन्ट, इधर फॉन्ट है, ठीक है। तो फॉन्ट जो पार्ट है आप देख रहे हैं, पर ये जो पार्ट है यहाँ पर हमने रखा है नॉर्थ ओके। तो एज पर वस्तु हमने क्या क्या रखा है, नॉर्थ यहाँ पर हमने रखा है, साउथ तो देखिए नॉर्थ साउथ ओके। चलिए नॉर्थ एंड साउथ आपको मिल गया, तो नॉर्थ साउथ मिलने के बाद हम ईस्ट वेस्ट तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए वॉल को कलर करते हैं। तो वॉल कहाँ पर हम प्रोवाइड करना है, देखिए इसको यहीं पर जो हम ब्लू कलर से मार्क करते हैं यहीं पर हम वॉल प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट का जो साइज़ 32x28 फिट का बिल्डिंग का एरिया, ठीक है, जो मेजरमेंट होता है 32x28। चलिए पहले हम करते हैं वॉल कलर, उसके बाद नेक्स्ट आपके साथ शेयर करते हैं बाकी जो डिटेल्स, मेजरमेंट, रूम एंड टॉयलेट, डाइनिंग, ड्राइंग, किचन और स्टेयर एंड गेस्ट रूम, छोटा सा स्टडी रूम, जो भी है सब कुछ यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है। और आपका जो पूजा घर, जो भगवान का जो घर होता है भगवान का लिए, तो उसका भी हमने जगह रखा है, आप वहीं पर उसको रख सकते। तो चलिए डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते, पहले वॉल का तो कलर करते दीजिए। तो वेटिंग रूम देखिए कंप्लीट होएगा, पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट हमने क्या किया देखिए, तो स्टार्टिंग में हमने जो रखा था यहीं पर, तो मैंने यहाँ पर रखा है मेन गेट, ठीक है, मेन गेट। तो यहाँ पर हमने रखा है 8 फीट का एक स्पेस, और इधर रखा है 8 फीट 4 इंच का एक स्पेस। तो इसको हमने रखा है वेटिंग रूम वेटिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे एक डोर, तो अगर कोई व्यक्ति घर में आएगा तो वेटिंग रूम में वेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा ड्राइंग एंड डाइनिंग एक साथ। देखिए डाइनिंग टेबल यहाँ पर मैंने बिठाया, ये तो टोटल जो एरिया है यहीं पर अंदर में, ठीक है। हमने और भी रखा है यहाँ पर आप स्टेयर का, तो हमने इधर से स्टेयर का जो डिस्टेंस रखा है 7 फीट 2 इंच टोटल, ठीक है। और इधर जो रखा है 10 फीट 9 इंच, 10 फीट 9 इंच, ठीक है। तो टोटल हमने इसको रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या रखा है देखिए, तो यहीं पर किचन, किचन को रखा है यहीं पर डोर, किचन का डोर हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है, यहीं पर एक डोर। तो उसके बाद किचन का जो मेज़रमेंट आएगा, हमने रखा है इधर जो मेज़रमेंट है किचन का 8 फीट ओके। और इधर जो हमने रखा है 6 फीट 9 इंच ओके, देखिए एक बार ठीक से। और इधर जो है हमने रखा है 6 फीट 10 इंच इधर। तो इसका जो मेज़रमेंट टोटल जो इधर से स्टार्ट होकर जो मेज़रमेंट है 19 फीट 2 इंच ओके, टोटल जो मेज़रमेंट इतना तक, ठीक है। और इधर जो मेज़रमेंट हमने रखा है इधर से स्टार्ट करके इधर तक, तो ये जो हमने रखा है 11 फीट 3 इंच ओके। तो देखिए मेज़रमेंट आपको मिल गया मिडिल का। उसके बाद नेक्स्ट यहीं पर हमने रखा है छोटा सा एक टॉयलेट, ठीक है, इसका मेज़रमेंट हमने रखा है 4 फीट और इधर हमने रखा है 5 फीट। तो 4 फीट बाय 5 फीट का एक टॉयलेट यहीं पर हमने रखा है।
यहाँ पर हमने रखा एक रूम, जो बेडरूम है यहाँ पर छोटा सा, तो इस बेडरूम का साइज़ हमने रखा है 8 फीट 4 इंच, और इधर जो है 10 फीट 9 इंच। ओके, तो डोर यह हमारा फ्रंट, ओके फ्रंट साइड, ओके ये हमारा फ्रंट साइड, देखिए फ्रंट का पोजीशन है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये तो फ्रंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा हम इधर आएंगे, यहीं पर एक बेडरूम रखा है हमने फ्रंट में, तो इसका साइज हमने रखा है, बेडरूम जो फ्रंट में मैंने रखा है इधर 11 फीट 7 इंच, ओके, और इधर जो हमने रखा है 11 फीट 4 इंच, ओके, तो यहीं पर हमारा जो है डोर प्रोवाइड करेंगे हम। नेक्स्ट इधर एक डोर प्रोवाइड करेंगे, तो इधर जो हम मेजरमेंट रखेंगे 10 फीट का एक, ओके, और इधर जो है 11 फीट 7 इंच, यहाँ पर भी बेडरूम, यहाँ पर बाथ एंड लैट्रिन डोर, इधर हमने रखा है जो 7 फीट 2 इंच, और इधर जो है 5 फीट, ओके। तो पूरा मेजरमेंट आपको तो मालूम पड़ गया यहीं पर क्या क्या है सब कुछ। उसके बाद देखिए टोटल हम एक बार आपको थोड़ा आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे क्या, कॉलम पोजीशन, ठीक है, कॉलम का जो पोजीशन हम स्क्वायर करके यहीं पर प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो मेज़रमेंट हमने कर रहा है अभी 28 फीट इधर, ठीक है, और इधर का जो मेज़रमेंट है, इधर का जो मेज़रमेंट है 32 फीट टोटल मेज़रमेंट, ठीक है, 32 बाई 20, इसका मतलब हुआ 28 फीट इंटू 32 फीट, ओके। तो ये मेज़रमेंट आपको मिला है, तो इसका टोटल जो कॉस्ट, बिल्डिंग का जो कॉस्ट आएगा आपका, ठीक है, 10 लाख के अंदर आप इसको 10 लाख आपका कॉस्ट आएगा, 10 लाख उसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते, उसके साथ डोर विंडो ये भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। तो हमने जो कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा था, तो देखिए अभी जो पोजीशन है यहीं पर हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम 28 इधर भी एक कॉलम प्रोवाइड करेंगे, और इधर 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 करेंगे, ठीक है, और इधर, तो ये कॉलम प्रोवाइड करने के बाद आप बिल्डिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आपको देखिए 28 बाई 32 और 32 बाई 28 का अगर प्लान चाहिए नॉर्थ फेस का, तो आप इस प्लान को आपके जो प्लॉट है वहीं पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं बिल्डिंग प्लान कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते दोस्तों, चलते नेक्स्ट वीडियो पे।